जो मेरा जो स्क्वाड मेंबर वगैरह है, तो हमारा एक और एक यूट्यूब चैनल है फ्री फायर से रिलेटेड, उधर वीडियो वगैरह आते रहते हैं, गेम प्ले वगैरह। मेरे को भाई उतना ज़्यादा खेलना नहीं आता, उन लोग बहुत अच्छा खेलते हैं, तो भाई आप लोग देखने में इंटरेस्टेड हो तो भाई फ्री फायर से रिलेटेड और भी ज़्यादा वीडियो वगैरह चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। और गाइस जो जो लोग फ्री फायर खेलते हो तो उनके लिए तो मैंडेटरी है सब्सक्राइब करना, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, उधर आपको गेमिंग चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाके सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस इसी तरह से देखो भाई, मैंने जो ब्रश से ड्राइंग कर रहा हूँ इधर, एकदम छोटे टिप के ब्रश से, एकदम छोटा ब्रश से ड्राइंग करना पड़ता है। और भाई लाइन बहुत ही ज़्यादा डिटेल में लाइनिंग करना चाहिए इधर, कोई भी सेकेंड लाइन नहीं होगा, एकदम सिंपली एकदम बारीकी से लाइन वगैरह खींचना चाहिए डायरेक्टली ब्रश से। मैं जैसे कि इधर कर रहा हूँ देख सकते हो, डायरेक्टली कलर को लेकर ब्रश से ड्राइंग करना पड़ता है, इधर कोई पेंसिल वगैरह का यूज़ नहीं करना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात भाई, वॉश पेंटिंग के लिए ना पेपर बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो इधर आपको जितना हाई क्वालिटी पेपर यूज़ करोगे तो आपका पेंटिंग उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और भाई हाई क्वालिटी पेपर यूज़ करने से क्या होता है, उसमें वॉश बहुत ज़्यादा टाइम आप लोग वॉश कर सकते हो, 5 टाइम 6 टाइम वॉश कर सकते हो, और नॉर्मल पेपर में 1 टाइम से 2 टाइम में पेपर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जितना हाई क्वालिटी पेपर आप लोग यूज़ करोगे आपका वॉश पेंटिंग उतना ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि मैं इधर इसको यूज़ कर रहा हूँ ब्रास्टो का 300 GSM पेपर, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है वॉश पेंटिंग के लिए। तो गाइस 3 घंटे लगातार ड्राइंग करने के बाद भाई अब इसको वॉश करने का टाइम आया, जो कि भाई इस वीडियो का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। भाई वॉश पेंटिंग भाई बहुत लोग नहीं जानते वॉश पेंटिंग क्या है, कैसे करना पड़ता है, तो भाई देखो आज इसको वॉश करूंगा, ठीक है। पूरा का पूरा पानी के साथ वॉश करना पड़ेगा, तो देख लो एक बार वीडियो को, तो भाई चलो वॉश करने जाते हैं। तो गाइस हम आ गए इधर वॉश करने, तो इधर देखो भाई बहुत ज़्यादा पानी के साथ इसको वॉश करना पड़ेगा, जैसे कि मैं इधर कर रहा हूँ। अच्छे से पेपर को गीला करना चाहिए, एक किसी भी जगह सूखा नहीं रहना चाहिए, हर एक जगह पे पानी होना चाहिए। जब जब आप लोग कलर करोगे ना, हर समय पेपर गीला रहना चाहिए, पेपर सूख गया तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो भाई पेपर को अच्छे से गीला कर लो, उसके सरफेस के ऊपर ब्रश को अच्छे से रगड़ना चाहिए, क्यों रगड़ना चाहिए, ब्रश और जो बोर्ड आप लोग यूज़ करोगे उसके बीच में कोई भी बबल्स वगैरह नहीं रहना चाहिए, ऐसे उसको प्रेस करना है जैसे कि पेपर और बोर्ड के बीच का गैप एकदम नहीं रहे, एकदम चुपक जाए। जैसे कि इधर दिख रहा है देखो, पेपर एकदम बोर्ड के सरफेस के ऊपर चुपक गया है, ऐसे ही होना चाहिए और गीला रहना चाहिए। इधर देखो घर में आने के बाद पेंटिंग को थोड़ा सा एक टिल्ट पोजीशन में रख दिया हल्का सा, क्योंकि भाई थोड़ा सा पानी सूखना चाहिए, ज़्यादा सूख गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, और भाई इतना गीले में भी काम नहीं किया जाएगा, थोड़ा सा सूखना चाहिए। तो भाई एक टोन देने के बाद उसके बाद फिर से वॉश करेंगे ऐसे ही, और उसके बाद फिर से वॉश करूँगा 3rd टोन देके, भाई बहुत बार वॉश करना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा सा हाई क्वालिटी का पेपर चाहिए, मैंने जो पहले बोला था उधर। सो देखते कलर करूंगा अब इसके ऊपर। सो गाइस इधर देखो आपको कुछ इस तरह से कलर हर एक जगह पे अलग अलग कलर लेके उसको अच्छे से पानी के साथ मिक्स कर लेना चाहिए, जैसे कि मैं इधर कर रहा हूँ, देखिए हर एक जगह पे अलग अलग कलर है, देखिए कितना ज़्यादा पानी के साथ मिक्स कर रहे हैं इधर, बहुत ज़्यादा पानी के साथ पहले से इस तरह से मिक्स कर लेना चाहिए, ठीक है, तभी जाके काम में बहुत ज़्यादा आसानी होगा। भाई बाद में मिक्स करेंगे तो कलर का सेट चेंज हो सकता है, तो भाई पहले से जजक जो जो कलर आप लोग दोगे पहले से चूज़ कर लेना चाहिए, और उसको इतना ज़्यादा से ज़्यादा पानी देके पहले से मिक्स कर लेना चाहिए पानी के साथ, ठीक है। तो वॉश पेंटिंग के लिए भाई ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक स्टेप है, तो देख सकते हर एक जगह पर भाई मैंने अलग अलग कलर चूज़ कर लिया है, और देखो कितना ज़्यादा पानी के साथ मिक्स कर लिया हर एक कलर। तो गाइस इधर देखो मैं कलर कर रहा हूँ, देखो भाई कितना ज़्यादा सॉफ्ट लुकिंग आ रहा है कलर को देख के, भाई आपको ऐसे ही काम करना चाहिए भाई, कलर को एकदम पतला करके गोल लेना चाहिए, पहले मिक्स कर लेना चाहिए पानी के साथ, उसके बाद उसको अच्छे से जेंटली पेपर के ऊपर अप्लाई करना है। देखो कितना ज़्यादा सॉफ्ट फीलिंग आ रहा है पेंटिंग को देख के, आपको ऐसे ही काम करना है। देखो उधर जो मैंने कहा था भाई सेम ट्रिक इधर अप्लाई कर रहा हूँ, हर जगह पे सेम ही कलर दे रहा हूँ, और भाई बहुत ही ज़्यादा जेंटली लग रहा है कलर, और इधर भाई उतना ज़्यादा सेट की वेरिएशन नहीं चाहिए, और मैं सेट वगैरह दूंगा थोड़ा थोड़ा करके सेट दूंगा भाई, वो भाई सेकेंड लेयर में होगा, एक बार कलर देने के बाद उसको वॉश करूँगा, उसके बाद जो सेकेंड लेयर दूंगा उसके बाद जो वॉश करूँगा तब जाकर थोड़ा थोड़ा करके सेट आपको पता चलेगा।
और गाइस इतना ज़्यादा वॉश वगैरह करने के लिए ना अभी इस पेंटिंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, और इसमें जो फाइनल पेंटिंग निकल के आता है ना वो इतना ज़्यादा अच्छा लगता है भाई, आप लोग सोच भी नहीं सकोगे। आप लोग भाई गूगल पे सर्च करोगे तो वॉश पेंटिंग, उधर आपको बहुत वॉश पेंटिंग मिल जाएगा, तो देखोगे भाई कितना ज़्यादा सॉफ्ट फीलिंग आ रहा है भाई, देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एकदम सारे जगह पे धुआं धुआं सिचुएशन होता है भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एकदम सॉफ्ट लुकिंग आता है पेंटिंग से, और भाई बहुत ज़्यादा डिटेल में काम किया जाता है वॉश पेंटिंग में भी, बहुत ज़्यादा डिटेल में काम किया जाता है। और गाइस आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, इधर मैं जो इधर पेंट कर रहा हूँ वो सब्जेक्ट मैंने क्या चूज़ किया है, ठीक है, ये एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्टोरी का एक हिस्सा है, मैंने जो सब्जेक्ट इधर चूज़ किया है। सो भाई वो स्टोरी क्या है, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है वो स्टोरी, आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताओ, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला स्टोरी आप लोगों के लिए। सो गाइस इधर देखो भाई, कलर करने के बाद हर जगह पे कितना ज़्यादा एक सॉफ्ट फीलिंग आ रहा है भाई, ये देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्या ही बताओ भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये प्रोसीड्यूर मुझे। देखो भाई मैंने पहले भी बताया था, इधर बहुत ही ज़्यादा पतला पतला टोन देके काम करना पड़ता है, जैसे कि मैं इधर कर रहा हूँ, देखिए भाई कलर ना बहुत ही ज़्यादा काम है भाई, अच्छे से पानी के साथ मिक्स करा है कलर को, और उसके बाद ही एक बहुत ही सॉफ्ट कलर आया है इधर, तो उसको भी अच्छे से जेंटली अप्लाई करना है पेपर के ऊपर। सो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताओ, और भाई अच्छा लगे तो एक लाइक करो, आप लोगों के एक एक लाइक से ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, आप लोग सोच भी नहीं सकते कितना अच्छा लगता है जब एक एक लाइक पड़ता है वीडियो पे। सो वीडियो को ज़रूर लाइक करो, और भाई ये जो वॉश पेंटिंग का प्रोसेस है आपको शायद पता चल गया कैसे करना पड़ता है, इसे पार्ट वन था, पार्ट टू का वीडियो अभी भी आने वाला है, उधर भी कंप्लीट पेंटिंग आप लोगों को दिखा दूंगा। भाई एक ही वीडियो में दिखा दो तो भाई बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, क्योंकि भाई वॉश पेंटिंग का जो प्रोसीजर होता है ना वो बहुत ज़्यादा लेंदी होता है, हर एक टोन देकर वॉश करना पड़ता है, जैसे कि एक लेयर दिया फिर से वॉश किया, दो लेयर फिर से वॉश, मैंने ज़्यादा ज़्यादा टाइम वॉश करना पड़ता है भाई, उसके वॉश करने से ही ना भाई पेंटिंग ऊपर ना एक सॉफ्ट टोन आ जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जब पेंटिंग कंप्लीट होगा तब आपको पता चलेगा। सो वेट करते रहिए, चैनल पे बने रहिए, जो जो भी चैनल पे नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जरूर सब्सक्राइब करो, मैं बार बार कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो, इस टाइप का और भी ज़्यादा वीडियो आता रहता है चैनल पे। सो आज के लिए इतना ही था, बाय।